तो पहला स्टेप है हम लोग का मल्टीमीटर चलाना। अगर कोई कस्टमर आपके पास डेड मोबाइल लेके आए तो तीन ऑप्शन है हमारे पास चेक करने का कि इसके अंदर क्या काम हमें करना है और किस पॉइंट पे करना है। ये समझने के लिए तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा मोबाइल खोल के चेक करना बतलाए पहले या बिना खोले हुए। बिना खोले हुए कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहला चीज है हम चार्जिंग एम्पियर में 0.000 में चेक करेंगे क्या रीडिंग है, कितना एम्पियर मोबाइल खींच रहा है। तो इसके अंदर तीन चीज हमें देखना है। अगर 0.00 रहा तो कोई एम्पियर नहीं खींच रहा है। अगर ये लाइट ऑफ हो जा रहा है यानी शॉर्टिंग कर रहा है तो चार्जिंग पिन OBPIC कोई भी जगह पे शॉर्टिंग हो सकता है तो लाइट हमारा बुझ जाएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इसके अंदर एम्पियर ले रहा है 10-20 कुछ भी और फिर जीरो हो जा रहा है, वापस जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो इससे हमें साबित हो जाएगा कि मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग है, ठीक है। पहला स्टेप तीन है चार्जिंग एम्पियर में आपको चेक करने का बिना मोबाइल खोले। अब अगर ये तीनों में से जो भी चीज हमें बतलाएगा उसको फॉलो करना है। अगर ये पहला वाला अगर हमारा चार्जिंग 0.00 रहा तो इसके अंदर हमें दो संकेत मिलता है, या तो चार्जिंग पिन खराब है, ठीक है, या फिर चार्जिंग का वोल्टेज चार्जिंग आईसी तक नहीं जा रहा, जो हमें खोल के चेक करना पड़ेगा। या तो चार्जिंग पिन खराब है या फिर चार्जिंग का वोल्टेज चार्जिंग आईसी तक नहीं जा रहा है। तो इस पॉइंट पे ऊपर हम पहला बात करेंगे कि चार्जिंग का जो वी बस लाइन होता है हमारा वो दो होता है। वी बस एक लाइन पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली इसके अंदर दो लाइन होता है। जिस तरीके से एक सिक्के का दो पहलू होता है उसी तरीके से चार्जिंग का दो पहलू आपको समझना है कि उसका पहलू क्या है। सबसे पहला, चार्जिंग का प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर आपका प्लस बोर्ड तक चला गया और माइनस नहीं गया तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए कि प्लस के साथ माइनस जाएगा ही जाएगा, तभी प्लस अपना काम करेगा। इसको हम लोग भी बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी बस, यानी चार्जिंग का 5.2 वोल्टेज, पहला वोल्टेज मोबाइल के अंदर एंट्री करता है जिसका नाम है भी बस। और वोल्टेज की बात करें तो वो 5.2 आता है और वो कौन पैदा करता है तो वो है चार्जिंग पिन, यानी चार्जर 5 वोल्टेज पैदा करता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगर आपका चार्जिंग बोर्ड में प्लस माइनस ओके है और यहां बोर्ड में माइनस नहीं जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि चार्जिंग का वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, जो यहां से पत्ता चला, जो चार्जिंग का पत्ता होता है नीचे सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक जाने के लिए, उसमें आपको चेक करना है कि प्लस माइनस दोनों आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो होता क्या, कभी कभी बीच से पत्ता ये हमारा कट जाता है माइनस का, जो हमें पकड़ में नहीं आता है। तो क्या करना है, सिंपली यहां माइनस से एक जम्पर उठा करके ये माइनस को जोड़ देना है, या बीच से कटा हुआ आपको दिख जाए तो उसे मिनी जम्पर वायर से जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां तक आपका 5 वोल्टेज आ जाएगा चार्जिंग का। इसके बाद जो है आपको कहां जाएगा, ये कटता कहां से लाइन है, 0.00 एम्पियर की मैं अभी बात कर रहा हूं, 0.00 एम्पियर की बात कर रहा हूं। तो ये कटता कहां है, तो यहां पे जब आप आ जाएंगे मैन बोर्ड में तो मैन बोर्ड में एक लंबा सा मदर बोर्ड रहेगा आपके पास और यहां पे भी बस लिखा हुआ एक पॉइंट रहेगा, एक टेस्ट पॉइंट रहेगा या जहां पे मीटर रख करके आप चेक कर सकते कि भी बस आया या नहीं आया। तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं, ये जो आपका वीबस टेस्ट पॉइंट बना हुआ है ना, इस पे मीटर को रखिए और एक ग्राउंड मदरबोर्ड पूरा ग्राउंड होता है, कहीं पे भी आप ग्राउंड को रख लीजिए और एक प्लस को इस पे रखिए, देखिए मल्टीमीटर में वोल्टेज 5 आपको बतला रहा है या नहीं। नहीं बतलाया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑप्शन है वीबस को एक मीटर का एक सिरा मेन बोर्ड में वीबस में रख दीजिए और दूसरा सिरा ये चार्जिंग का ग्राउंड में यहां पे रखिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 5 वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर चला गया तो समझ में आ जाएगा कि आपका ग्राउंड कट गया है। अगर उसी तरीके से अगर आपका फिर भी नहीं जा रहा है तो आपको करना क्या है कि प्लस के मेन बोर्ड के ग्राउंड में, मेन बोर्ड के ग्राउंड में मीटर का एक सिरा रख दीजिए और चार्जिंग पिन का प्लस में एक सिरा रख दीजिए। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि प्लस लाइन जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि माइनस हमने यहां ले लिया है तो माइनस ओके रहेगा तभी यहां पे हमें वोल्टेज बतलाएगा। तो यहां पे माइनस भी कटेगा तो
चेक कर सकते हैं, और प्लस भी कट गया तो चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आपको जाता है, एक छोटा सा आईसी होता है जिसका नाम है ओवीपी, जिसका नाम है ओवीपी। इसके अंदर बॉल जो होती है वो इनपुट और आउटपुट होती है, लेकिन शॉर्ट नहीं होती है। इसके अंदर बॉल होती है एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब इसके अंदर से ये बॉल में एंट्री करेगा तीन बॉल से, और तीन बॉल से आउट करेगा। अगर यहां पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा आपका, जिसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। अगर ये इनपुट है आउटपुट नहीं है तो ये आईसी को तोड़ दीजिए और बीच के लेन को शॉर्ट कर दीजिए। बीच के लेन को शॉर्ट कर दीजिए तो क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हमारा बन गया। तो यहां तक हमारा ओके काम हो गया। इसके बाद का काम अब हम आपको और भी समझा देते हैं कि इसके बाद कहां चेक करना, क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है हमारा, तो सब स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहां से लेकर चार्जिंग पिन से लेकर के वोल्टेज ओवीपी बाईपास आपको कर देना है। अगर यहाँ पे आउटपुट में बिना आईसी खोले हुए वोल्टेज मिल रहा है तो ये हमारा ओके, क्लियर है।